मुफ्ती युनुस यांच्या विषयीच्या बातम्या एमसीएनने सातत्याने प्रसारित केल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी स्वतःहून याची दखल घेत त्यांना न्याय मिळवून दिलाय, त्यामुळे मुफ्ती युनुस यांनी माजी खासदार उत्तमसिंह पवार यांचे आभार मानले आहेत. पोलीस खात्यात कर्तव्य बजावताना पडेगावातील मुफ्ती युनुस कुटुंबियांना विविध खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या धमक्या देत लाखो रुपये उकळणाऱ्या पोलीस जमादार शेख जावेद याच्या विरुद्ध अखेर गुन्हा दाखल करून त्यास निलंबित करण्यात आला आहे. एमसीएन न्यूजने मुफ्ती युनुस आणि त्यांच्या कुटुंबियांविषयीच्या संपूर्ण बातम्या सातत्याने प्रसारित केल्या होत्या. या बातम्यांची दखल पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी घेत मुफ्ती कुटुंबियांना न्याय मिळवून दिलाय. एमसीएन न्यूजने लावलेल्या बातम्यांमुळेच मुफ्ती कुटुंबियांना न्याय मिळाला असल्याचं सांगत त्यांनी माजी खासदार तथा विक्रांतचे संस्थापक अध्यक्ष उत्तमसिंह पवार आणि एमसीएन न्यूजचे मुख्य संपादक सचिन अनर्थे यांना पुष्पगुच्छ देत एमसीएन न्यूजचे आभार मानले आहेत. छावनी पोलीस थाने के सिपाही जावेद शेख की तरफ से हमारे ऊपर जो जुल्म और अत्याचार किया जा रहा था और तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर मेरी छोटी सी फैमिली को दहशत में रखने का काम किया जा रहा था, इस पॉलिसी अत्याचार की वजह से मेरी बेटी का पूरा शिक्षण खराब हो गया, उसका करियर बर्बाद हो गया और मेरी बेटी हिम्मत हार के जावेद के जुल्म से डर के कॉलेज जाना उसने जब बंद कर दिया, जब श्रीमान माननीय खासदार उत्तम सिंह पवार जी और इनका चैनल और हमारे मीडिया के भाई खासतौर से एमसीएन वाले चैनल ने जो हमको सपोर्ट दिया, हमको हिम्मत दी, माननीय सचिन साहब ने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे दुख दर्द को सुना और पूरी तरह उसको समझा और हमको हिम्मत दिलाई कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था और शासन अभी जिंदा है और खाकी वर्दी में सिर्फ जावेद शेख जैसे दरिंदे ही नहीं बल्कि इसमें मानुष की रखने वाले और खाकी वर्दी के अंदर नरम दिल रखने वाले लोग भी है. एमसीएन की वजह से हमारी हिम्मत बढ़ी, हमें एक नए जीवन का हौसला पैदा हुआ. रमज़ान जैसे पवित्र महीने हमसे ये कहा कि अगर आपकी लड़ाई ये सच्ची है तो आपकी बेटी का जो करियर बर्बाद हो गया शिक्षण के एतबार से उसको हम 100% न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे. हम आपके साथ खड़े हैं और 24 घंटे में जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं. आज ये इस एमसीएन चैनल के और माननीय माजी खासदार साहब महोदय के बड़े आभारी है. तो हम माननीय उत्तम सिंह पवार जी से उनके चैनल से हम लोग आशा करेंगे कि हम भगवान के बाद आपके सहारे से आज जिंदा रहने की हिम्मत कर रहे हैं. पिछले 3 सालों से हम लोग जावेद शेख और उसके जुल्मों को बर्दाश्त कर रहे थे. जावेद शेख की वजह से मेरा पूरा एजुकेशन करियर ख़त्म हो चुका था. हम लोगों की फैमिली इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि हम लोगों ने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी. पर उसके बाद जब हम लोग एमसीए चैनल के कॉन्टैक्ट में आए और हमने अपनी आप भी थी उन लोगों को सुनाई तो उन्होंने इतना अच्छे से हम लोगों को कोऑपरेट किया, हम लोगों की इतनी हेल्प की और आज इन लोगों की बदौलत माननीय खासदार उत्तम सिंह जी पवार की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़े हैं और हम लोगों को न्याय की पूरी पूरी उम्मीद है. आज एमसीएन चैनल की वजह से ही शेख जावेद पर आज गुनाह दाखिल हो चुका है और मैं उसी के साथ ये आशा करती हूँ कि उसके साथ जितने भी गुनहगार लोग हैं जो हम लोगों को हम जैसे मासूम लोगों को तकलीफ देने में इन्वॉल्व है तो मैं सारी जुडिशरी काउंसिल से माननीय खासदार उत्तम सिंह जी पवार से और सारे मीडिया से स्पेशली एमसीएन चैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहिए और उनके साथ भी जो इन्वॉल्व है लोग इस जुर्म में उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. एंड आई रियली थैंक एमसीएन चैनल जिन्होंने हर दम पे हम लोगों का साथ दिया, जिन्होंने पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैला दी कि न्याय मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है. तो मैं डेफिनेटली ये बात कह सकती हूँ कि अगर आपको कहीं जुडिशियल काउंसिल में या कहीं आपको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है तो आप डेफिनेटली लोग एमसीएन चैनल के पास आ सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को जस्टिस मिलेगा. इतने बुरे टाइम में आपने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस रमज़ान के महीने में हम आप सबके लिए बहुत दुआ करेंगे, आपकी वजह से हमको इंसाफ मिल पाया है. हमारा एमसीएन चैनल ने सपोर्ट दिला आणि आम्ही पुढचे हालचाल आमचे सुरू झाले. पुढच्या हालचालीमध्ये आम्हाला इतका सपोर्ट भेटला का पोलिसांनी आम्हाला स्वतःहून बोलून घेतलं, जावेद शेखवर गुन्हा दाखल केला. पण जावेद शेखवर गुन्हा दाखल झाला त्याच्यामुळे आम्ही काय लई खुश आहे असं विषय. दुसरे जे त्याचे बरोबरचे काही आरोपी आहे जोंगडे किंवा जोधळे आणि ACP मुसळे हे 2-3 लोक त्याचे बरोबर जे आलेले होते त्यांच्यावर पण शासनाने अशी कारवाई करावी.